जनपद शामली में 18 प्लस आयु के युवाओं का वैक्सीनेशन का इंतजार आज समाप्त हो गया। बता दें, कोरोना संक्रमण से मुकाबले के लिए वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए 12 सेंटरों पर उत्साह के साथ युवा वर्ग पहुंचा। साथ ही 2 सेंटरों पर ऐसे अभिभावक भी वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे जिनके बच्चे अभी 12 वर्ष से कम आयु के हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने जिला अधिकारी जसजीत कौर के साथ वैक्सीनेशन सेंटरों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। क्या नाम है आपका? अंकित मित्तल। आज आपको वैक्सीनेशन कैसे महसूस कर रहे हैं? नहीं, जैसे सरकार ने ये आज की योगी सरकार ने आज की तारीख से 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है, तो आज ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने, जिससे ये है कि 18 से 44 की उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं वैसा वैक्सीनेशन कराएंगे तो सबको फ़ायदा होगा और कोरोना मुक्त हिंदुस्तान होगा। आपको कैसा लग रहा है वैक्सीनेशन? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सर। आज आप विंटर कॉलेज पर वैक्सीन लगवाने के लिए? जी सर। तो वैक्सीन लग चुकी है आपको? जी सर, लग चुकी। तो वैक्सीन लगवाने के बाद क्या आप में आत्मविश्वास की वृद्धि हुई है? जी सर, हुई है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा सर। तो आपको किस आधार पर वैक्सीनेशन किया गया है? आपके बच्चे की उम्र क्या है? 10 साल सर। अच्छा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। डॉक्टर रमेश चंद्रा, सुपरिटेंडेंट सीएससी शामली। ऐसा ऑनलाइन के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन बीवी इंटर कॉलेज में सीएससी शामली पर जो बूथ लगे हैं उनमें जिनके बच्चे 12 साल से छोटे हैं उन्हीं को लगा हुआ है स्पेशल राउंड में, मतलब। और सीएससी शामली पर 45 साल से ऊपर वाले 2 बूथ सीएससी पर है, एक यहां पर है, तो जिनके बच्चे 12 साल से छोटे होंगे उन्हीं के लिए लग रहा है। 10 बजे से शुरू होगा, 10 से 5 बजे। उत्साह के साथ वैक्सीनेशन के लिए निकला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा है कि किस प्रकार बहुत तेजी के साथ देश में वैक्सीनेशन की व्यवस्था, वैक्सीनेशन की उपलब्धता माने प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश में माने मुख्यमंत्री जी ने दी है। तो तमाम नौजवान उत्साह के साथ अपने प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा है। वो तो पूरे प्रदेश के अंदर आज पूरे उत्साह के साथ 18 प्लस के लोगों के साथ वैक्सीनेशन हो रहा है। सरकार का लक्ष्य क्या है, कितने लोगों को जो टीकाकरण किया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार सबसे ज़्यादा जो है प्रदेश सरकार से वैक्सीनेशन करा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अद्भुत व्यवस्था दी है, मैं कह सकता हूँ कि जब मार्च 2020 में जब कोरोना आया था तो हमारे पास एक भी टेस्टिंग की सुविधा नहीं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रबंधन से लगातार केंद्र सरकार के सहयोग से जो तमाम व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में की गई हैं, आज परिणाम ये है कि हम 3.5 लाख से ज़्यादा टेस्ट पर डे कर रहे हैं और देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। उसी प्रकार टीकाकरण में भी हम नंबर एक पर हैं और चरणबद्ध तरीके से टारगेट है कि उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को वैक्सीनेशन के साथ जोड़ा जाए, लेकिन चरणबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ें। जागरूकता को लेकर कोई अभियान नहीं? लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, और मैं कह सकता हूँ चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात के कार्यक्रम में या अन्य माध्यमों से, तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तमाम मीडिया के द्वारा, तमाम अन्य समाज सेवियों के द्वारा जागरूकता एक चलाई जा रही है। और मैं भी सभी लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरता के साथ लगे, हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है, ये महामारी है, हम सब लोग भी नैतिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है और हम सब मिलकर के कोरोना हारेगा, मानवता जीतेगी। थैंक यू।